यति फल में आपका हार्दिक स्वागत है मैं यतिवर्य कुमार विजय आज आपको इस वीडियो में आज के दिन का पंचांग और बारह राशि का राशिफल बताऊंगा राशिफल के बीच में रोजाना की तरह यति वाणी के अंदर आज मैं आपको नवरात्रा के आठवें दिन नव दुर्गा माता के आठवें रूप आ, महागौरी माता के विषय में बातचीत करूंगा और आज का उपाय बताऊंगा आप मेरा यह वीडियो बहुत ध्यान से देखें और इसको लाइक करके आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैं जो यह जानकारी देता हूं वह और ज़्यादा लोगों तक पहुंचे और इसका लाभ भी ज़्यादा लोग ले सकें सबसे पहले देखते हैं आज के दिन का पंचांग क्या है आज दिनांक तेरह अप्रैल 2019 शनिवार का दिन चैत्र माह शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि दिन में ग्यारह बजकर इकतालीस मिनट तक रहेगी उसके बाद में नौमी तिथि शुरू होगी पुनर्वसु नक्षत्र सुबह आठ बजकर उनसठ मिनट तक रहेगा उसके बाद में पुष्य नक्षत्र शुरू होगा चंद्रमा दिन रात कर्क राशि में गोचर करता रहेगा आज का राहुकाल सुबह नौ बजकर तीस मिनट से ग्यारह बजकर चार मिनट तक रहेगा रवि योग सुबह आठ बजकर उनसठ मिनट से अगले दिन सूर्योदय तक रहेगा आज शनिवार को पूर्व दिशा में दिशाशूल रहता है इसलिए अगर ज़्यादा ज़रूरी ना हो तो पूर्व दिशा की यात्रा को टालना ठीक रहेगा आज नवरात्रि का आठवां दिन है आठवां नवरात्र है और आज दुर्गा माता के आठवें रूप महागौरी माता की पूजा की जाती है और इस विषय में मैं आपको राशिफल के बीच में जानकारी दूंगा। अब देखते हैं आज का दिन बारह राशि वालों के लिए कैसा बीतेगा आज का दिन बारह राशि वालों के लिए कैसा है सबसे पहले देखते हैं मेष राशि मेष राशि के लिए आज का दिन थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा है आपके लिए चौथे स्थान का चंद्रमा है यह अशुफलदायक माना जाता है इसलिए आज आपको अपने काम को अच्छे से समझकर और चौकन्या होकर करने की ज़रूरत है दिन में आपसी तकरार आदि से आपको बचना पड़ेगा और किसी अवांछित चीज या फिर अवंछित लोगों से भी आपको आज दूर रहने की ज़रूरत है या सलाह दी जाती है अब देखते हैं वृषभ राशि वृषभ राशि के लिए आज का दिन अच्छा है आपकी प्रोग्रेस होना आज निश्चित है वैसे आपकी इस समय काफ़ी बलवान और ऐसे कार्य के प्रति रुचि दर्शाता दर है जो आपके लिए चैलेंज जैसे हो धन दौलत की स्थिति में सुधार होगा और यात्रा का लाभ आपको मिलेगा और आज मित्रों का सहयोग भी आपको मिलेगा अब देखते हैं मिथुन राशि मिथुन राशि के लिए समय थोड़ा सा कड़वा बन गया है इस समय में दूसरे धन और कुटुंब स्थान का चंद्रमा है यह आपके लिए घातक माना जाता है परिवार में कलेश मतभेद कड़वाहट आदि होना संभव है और फिर इस समय में आर्थिक स्थिति भी कुछ अस्त व्यस्त रहने की संभावना है अब देखते हैं कर्क राशि कर्क राशि के लिए आज का दिन शुभ है अच्छा स्वादिष्ट भोजन नए वस्त्र कोई नई वस्तु के इस्तेमाल करने का अवसर आदि सब आज आप आज और कल में आपको लाभ मिलेगा आर्थिक स्थिति में मजबूती रहेगी शुभ मांगलिक कार्य में दो दिनों में आप संपन्न करवा सकते हैं या शामिल भी हो सकते हैं आज आपको यात्रा से लाभ मिलने वाला है अब जैसा कि मैंने आपको कहा था कि राशिफल के बीच में मैं आपको नवरात्रा में आठवें दिन महागौरी माता के पूजन के विषय में बातचीत करूंगा तो जैसा कि आप जानते हैं कि नवरात्रा के नौ दिनों में दुर्गा माता के नौ अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है और इस क्रम में आठवें नवरात्रा के दिन दुर्गा माता के आठवें रूप महागौरी माता का पूजन किया जाता है माँ दुर्गा की जो आठवीं शक्ति है उसका नाम महागौरी है दुर्गा पूजा के आठवें दिन महागौरी माता की उपासना का विधान है इनकी शक्ति जो है वह अमोघ और सद्य फलदानी है इनकी उपासना से भक्तों के सभी पाप धुल जाते हैं और पूर्व संचित पाप भी विनष्ट हो जाते हैं भविष्य में पाप संताप दैन्य दुख उसके पास कभी नहीं जाते वह सभी प्रकार से पवित्र और अक्षय पुण्यों का अधिकारी हो जाता है महागौरी माता के जो कथा में लिखा हुआ है वो इस प्रकार से है कि भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए देवी ने बहुत कठोर तपस्या की थी जिसके जिससे इनका जो शरीर है वह तपस्या करते करते काला पड़ जाता है देवी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान इन्हें स्वीकार करते हैं और शिवजी इनके शरीर को गंगा जल से धोते हैं तब देवी विद्युत के समान अत्यंत कांतिमय और वर्ण की हो जाती है तथा सभी इनका जो नाम है वह गौरी महागौरी के रूप में प्रख्यात हो जाता है देवी महागौरी माता जो है वह करुणामयी है स्नेहमयी है शांत है और मृदुल दिखती है देवी के इस रूप की प्रार्थना करते हुए देव और ऋषि गणों ने कहा था सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वाथ सादिके शरण्ये त्रम्बे के, के गौरी नारायणी नमोस्तुते महागौरी जी से संबंधित एक कथा और भी प्रचलित है इसके अनुसार एक सिंह भूखा था का एक सिंह काफ़ी भूखा था वह भोजन की तलाश में वहाँ पहुँचा जहाँ पर देवी माता तपस्या कर रही थी देवी को देखकर सिंह की भूख ज़्यादा बढ़ गई परंतु वह देवी के तपस्या से उठने का इंतज़ार करते हुए वहीं बैठ गया इस इंतज़ार में वह काफ़ी कमज़ोर हो गया देवी जब तप से उठी तो सिंह की दशा देखकर उन्हें उस पर दया आती है और माँ उसे अपना सवारी बना लेती है क्योंकि इस प्रकार से उनके उसने भी तपस्या की थी इसलिए देवी गोरी का वाहन बैल और सिंह दोनों हैं अष्टमी के दिन महिलाएं अपने सुहाग के लिए देवी माँ को चुनरी भेंट करती है सबसे पहले लकड़ी की चौकी पर या मंदिर में महागौरी की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करते हैं इसके बाद चौकी पर सफ़ेद वस्त्र बिछाकर उस पर महागौरी यंत्र रखें और यंत्र की स्थापना करें माँ सौंदर्य प्रदान करने वाली है हाथ में श्वेत पुष्प लेकर माँ का ध्यान करें अष्टमी के दिन कन्या पूजन करना श्रेष्ठ माना जाता है कन्याओं की संख्या नौ होनी चाहिए वैसे तो देखा जाए तो ज़्यादातर नवमी के दिन नौ कन्याओं का भोजन करवाने का जो है वह विधान है और नवमी के दिन ही कन्याओं का भोजन करवाया जाता है लेकिन कई जगह पर अष्टमी के दिन भी नौ कन्याओं का पूजन करके उनको भोजन करवाने का विधान देखने में मिलता है अष्टमी के दिन कन्या का पूजन करना श्रेष्ठ माना गया है कन्याओं की संख्या नौ होती है नहीं तो कम से कम दो कन्याओं का पूजन करना चाहिए कन्याओं की आयु है वह दो वर्ष से ऊपर और दस साल से अधिक न हो भोजन कराने के बाद कन्या को दक्षिणा देनी चाहिए अष्टमी के दिन महिलाएं अपने सुहाग के लिए देवी माँ को चूनरी भेंट करती है महागौरी की पूजा में नारियल हलवा पूड़ी और सब्जी का भोग लगाया जाता है अष्टमी के दिन काले चने का प्रसाद विशेष रूप से बनाया जाता है और माँ को भोग लगाया जाता है कन्या को जो खाना खिलाने का नियम है उसके अंदर भी एक वर्ष की कन्या को नहीं बुलाना चाहिए क्योंकि यह कन्या गंध भोग आदि पदार्थों के स्वाद से बिल्कुल अनभिघ रहती है कुमारी कन्या वह कहलाती है जो दो वर्ष की हो चुकी हो तीन वर्ष की कन्या त्रिमूर्ति चार वर्ष की कन्या कल्याणी पाँच वर्ष की रोहिणी छः वर्ष की कन्या होती है वह कालिका सात वर्ष की जो बालिका होती है वह चंडिका आठ वर्ष की जो कन्या होती है वह सांभवी और जो वर्ष जो नव वर्ष की होती है उसको दुर्गा माता माना जाता है और अंत में जो दस वर्ष की कन्या होती है वह सुभद्रा कहलाती है इससे ऊपर की अवस्था वाली कन्या का पूजन नहीं करना चाहिए कुमारियों की विधिवत पूजा ज़रूर करना चाहिए आज के दिन जो लोग अष्टमी का होम करते हैं उनके लिए आज का उपाय है कि अष्टमी का होम उन्हीं मंत्रों से करना चाहिए जिन मंत्रों का आप लोगों ने नवरात्रि के घट स्थापना से जाप करना शुरू किया था उन्हीं मंत्रों का जो अब तक जाप जितनी संख्या में हुआ है उसका दस प्रतिशत भाग में आज के दिन उन्हीं मंत्र से हवन करना चाहिए तर्पण करना चाहिए मार्जन करना चाहिए यह विधान है मंत्र ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने नौ दिन तो जपे कोई और मंत्र और आज मंत्रों के किसी और मंत्र से आप भवन करें या होम करें जो मंत्र जपा उसका ही दस दसवां भाग आप आज के दिन होम में करें यह था आज के दिन यतिवाणी में नव दुर्गा माता के दुर्गा माता के आठवें रूप महागौरी माता के विषय में जानकारी और आज का उपाय अब देखते हैं बाकी बची हुई राशियों का आज का दिन कैसा बीतेगा आज के जो अगली राशि है हमारी वह सिंह राशि है सिंह राशि के लिए आज का दिन अशुभ गोचर वाला बन गया है आर्थिक स्थिति आज आपके लिए समस्या बन सकती है आपका कर्ज लिया हुआ है तो या फिर किसी को कर्जा दिया हुआ है तो आज आपके लिए परेशानी का सबब बन सकता है लोगों को आज परखने की कोशिश ना करें यात्रा को टालें अब देखते हैं कन्या राशि कन्या राशि के लिए दिन शुभ और लाभदायक बन गया है आज के दिन आपके परिवार में शुभ समाचार आ सकता है कोई शुभ मांगलिक कार्य भी संपन्न करवा सकते हैं धार्मिक कार्यों में शामिल हो सकते हैं व्यापार और व्यवसाय में गति आएगी आर्थिक स्थिति में मजबूती आएगी अब देखते हैं तुला राशि तुला राशि के लिए आज का दिन अच्छा है कार्यों में गति आएगी और काम आगे बढ़ेंगे परिवार में खुशी का माहौल रहेगा कोई कीमती वस्तु उपयोग करने का अवसर मिल सकता है सरकारी कार्यों में सफलता मिलेगी आय के नए साधन उपलब्ध होंगे खास वजह से अचानक धन मिल सकता है अब देखते हैं वृक्ष राशि वृषक राशि के लिए आज का दिन शुभ सफलता प्रदान करने वाला है अब आपके हर काम आने वाले कुछ दिनों में बनते चले जाएंगे आपको सफलता मिलती चली जाएगी भाग्य आपका पूरा साथ दे रहा है पुराने रुके अटके काम बनेंगे धार्मिक कार्य में रुचि बढ़ेगी निजी हित के काम आप पहले करें आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत होगी अब देखते हैं धनुराशि धनुराशि के लिए जो गोचर है वह विपरीत हो गया है बहुत संभल कर काम करें अपना वाहन आदि धीमी गति से और कानून का पालन करते हुए चलाएं किसी से विवाद ना हो और रिश्तेदारी भी खराब ना हो इस बात का ध्यान रखें समय पर उचित मदद मिलना भी आज आपको संभव नहीं लग रहा है अब देखते हैं मकर राशि मकर राशि के लिए आज का दिन अच्छा है सप्तम स्थान का चंद्रमा है साझेदारी का काम बनेगा अविवाहित अपने रिश्ते की आदि की बात को आगे बढ़ाएँ तो जल्दी ही रिश्ता मिल जाएगा विवाहित अपने साथी के साथ प्रेम प्यार प्रदर्शन में मगन रहेंगे आर्थिक स्थिति अच्छी बनी रहेगी अब देखते हैं कुंभ राशि कुंभ राशि के लिए आज का दिन साधारण है विवादों से बचना पड़ेगा अपने काम में रुचि नहीं रहेगी तो काम में विघ्न और रुकावट हो सकता है नया कोई काम दो दिन के लिए टाल दें अपने काम को किसी और के भरोसे टालना ठीक नहीं है धोखा देकर या शॉर्टकट से काम निकालने की कोशिश ना करें अब देखते हैं मीन राशि मीन राशि के लिए आज का दिन अच्छा है पक्ष के गोचर बना हुआ है आज कोई शुभ समाचार आदि मिलने का योग बना हुआ है धन की स्थिति में आज आपके सुधार होगा यात्रा आदि पर भी आज आप जा सकते हैं इसका भी आपको लाभ मिल सकता है संतान की तरफ से कोई शुभ समाचार मिल सकता है या आज आप कोई नया काम करना चाहते हो पदभार ग्रहण करना चाहते हो तो भी कर सकते हैं आज आपके मित्र परिवार वाले मिलेंगे और सहयोग भी करेंगे यह था आज के दिन का पंचांग और बारह राशि का राशिफल राशिफल के बीच में यतिवाणी के अंदर आज मैंने दुर्गा माता के आठवें रूप महागौरी माता के बारे में जानकारी दी और आज के उपाय के विषय में बताया कल फिर मैं नए पंचांग नए राशिफल और यतिवाणी में दुर्गा माता के नौवें रूप सिद्धिदात्री मात्रा के मा, माता के विषय में बातचीत करूँगा जानकारी दूँगा तब तक जय जिनेन्द्र